शासकीय कन्या छात्रावास खकनार में पानी भरने के कारण छात्रावास में लड़कियों को रात के समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके कारण उन्हें सुबह के समय खकनार स्थित दूसरे छात्रावास में शिफ्ट कराया गया। इलाके में पिछले 3 दिनों से जारी लगातार बारिश के चलते खकनार क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं दूसरी ओर छात्रावास के भीतर पानी घुसने से छात्रावास में रह रही लड़कियों को दूसरे छात्रावास में शिफ्ट कराया गया है। जिले में हो रही तेज बारिश के चलते सभी लोग परेशान हैं। अब खकनार में स्थित शासकीय छात्रावास में जल जमाव की स्थिति बन गई है। यहाँ पढ़ रही लड़कियों को रात में पानी भरने के कारण सुबह के समय दूसरे छात्रावास में शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ छात्रावास अधीक्षक सीमा बिरला ने बताया कि रात के समय जब भारी बारिश हुई तो कमरों में पानी घुस गया। इसके बाद आनन फानन में हमें दूसरे छात्रावास में शरण लेना पड़ी। साथ ही बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लड़कियों को यहाँ से अन्य छात्रावास में शिफ्ट किया गया है। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। उन्हीं के निर्देश पर लड़कियों को दूसरे छात्रावास में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें यहाँ कुल 50 लड़कियाँ अध्ययनरत हैं। सर, आपको कब मालूम पड़ा कि बच्चियों के छात्रावास में पानी भर गया है और फिर बच्चों को आपने यहाँ शिफ्ट किया? ये मुझे आज सुबह ही जानकारी इसकी मिली है और जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मैंने सर से उत्कृष्ट प्राचार्य से बात करी कि भाई अपने पास यहाँ व्यवस्था है, उसके अनुसार अपन जो है, तो सर को सुबह वहाँ से रवाना किया। मैं उसके बाद अभी निकला हूँ, जब तक इन्होंने यहाँ पर इन बच्चों को शिफ्ट किया। सर, ये जो बच्चे हैं वहाँ से शिफ्ट हुई हैं, क्या सभी सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं? सर, सुरक्षित तो ये स्थिति है कि अब अपने यहाँ नवीन कन्या छात्रावास उत्कृष्ट का भवन बना नहीं है, उसके लिए प्रयास जारी है। जैसे ही भवन बन जाएगा तो ये समस्या तो स्थायी तौर पर हल हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में अभी चूंकि अचानक प्राकृतिक आपदा है, इसका आप और हम भी कोई जजमेंट नहीं लगा पाए और अचानक आपदा आई है, तो उसके कारण अभी बच्चियों का स्थायी तौर पर यहाँ व्यवस्थित किया है। जैसे ही शासन के यहाँ जो मैडम के आने के बाद कोई नए निर्देश मिलते हैं तो उसके अनुसार उचित व्यवस्था इनकी की जाएगी ताकि बच्चियाँ पूरी तरह सुरक्षित रहें। सर, ये कब तक बच्चे यहाँ रहेंगी? अभी जब तक जो ये परिस्थितियाँ निर्मित है मौसम की, तो उस जब तक तो इनको यही निर्देश दिए गए कि अभी जब तक आप इन बच्चियों को यहीं सुरक्षित रखें, इनके बिस्तर वगैरह भी यहाँ बुलवा लिए जाए, कपड़े वगैरह जो है उनके सामान को सुरक्षित रखा जाए ताकि बच्चों को किसी प्रकार से तकलीफ नहीं हो। अभी जो बच्चियों को यहाँ लेके आए अपन, उनका सामान वगैरह सब व्यवस्थित है, किसी प्रकार से बच्चों को तकलीफ नहीं? तो बच्चियों से मेरी जो चर्चा हुई है, अधीक्षिका से जो चर्चा हुई है, किसी प्रकार से उनका कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, ना ही बच्चियों को कोई कष्ट हुआ है। बच्चियाँ पूरी तरह से स्वस्थ हैं, खड़ी हैं, आपके सामने हैं, देख लीजिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हॉस्टल अधीक्षिका हैं, उनकी सूझबूझ से जो बच्चे आए सभी सुरक्षित यहाँ पे आ गए हैं और किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है? ये तो वार्डन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखे और समय रहते। वो कल भी शायद उन्होंने ग्रुप पर फोटो डाले थे जिसमें कि कुछ पानी यानी भर गया था, तो मोटर से पानी को बाहर निकाला गया था, लेकिन रात में इतना तेज पानी आ जाएगा इतनी उम्मीद नहीं थी किसी को, परंतु आप सब लोगों के सहयोग से और स्टाफ के सहयोग से जो बच्चे सुरक्षित है, ये बहुत अच्छी बात है। आपका नाम और पद? सर, मैं राजेश तकझरे, सहायक संचालक प्रभारी के तौर पर भी मैडम छुट्टी पर है, इसलिए मैं भी प्रभारी सहायक का काम देखा। ओके सर।